फ्रेंड्स, ये है कोटा का बायोलॉजिकल पार्क और यहाँ पर बहुत सारे जानवर ओपन केजेस में रखे हुए हैं। अभी हमने देखा तेंदुआ और उसके बाद स्ट्राइप्ड हाइना, लकड़बग्गा, फॉक्सेस, कुछ ही जानवर यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे यहाँ है सांभर, सो यू कैन सी टू सांभर्स जिनका जूलॉजिकल नाम है रूसा यूनिकलर। देखो बड़े बड़े फुल साइज नील गाय जैसे सांभर के, आप जो उनके सींग है देखो इधर आके, ये देखिए सांभर, पॉसिबली एक जोड़ा है। हाँ। तो इसमें क्या है, एक तो मेल है और एक फीमेल है। जो मेल सांभर है उसके एंटलर्स जो सींग हैं वो मल्टीपली डिवाइडेड हैं। आई थिंक यू कैन सी, जूम जूम करते हैं जूम। ये है मेल सांभर और वो फीमेल सांभर उसके, ये शायद मेल फीमेल है। मेल के कितने बड़े बड़े वो हैं सींग, फीमेल आराम से जुगाली कर रही है। कितने बड़े होते हैं नील गाय की तरह, इनको चारा डाला है हरा चारा खा रहे हैं। ये है सांभर रूसा यूनिकलर उसका डिस्प्ले बोर्ड और ये भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। और ये यहाँ पर बाहर ओपन पे केजेस बनाए हुए हैं और जानवरों के कटआउट्स लगाए हुए हैं। तो इसमें है स्पॉटेड डियर, वो था सांभर, उधर था हाइना, फॉक्स, पैंथर और इसमें काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर्स हैं। जो रेयर नहीं है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आप देख सकते हैं। चित्तीदार हिरण, दिस इज द डिटेल्स ऑफ चित्तीदार, जिसको चीतल भी कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो आप देख सकते हैं, चित्तीदार हिरण। और वहाँ पर ब्लैक बग भी था जो शिकार मामले से जुड़ा हुआ प्राणी है, वो दूर वहाँ पर छाया में हिरण घास चल रहे हैं। वी हैव टू जूम टू सी देम। स्पॉटेड डियर शेड के नीचे कैन सी देयर, वो रहे स्पॉटेड डियर वहाँ पर। और वो पानी बनाने का है, पानी भरने का पॉन्ड। ये है फ्रेंड्स ब्लू बुल नील गाय, उधर चलो इधर इधर इधर, हाँ नील गाय का कटआउट लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पर बहुत सारी नील गायें देख सकते हैं इस कैज में, एनक्लोजर में। ब्यूटीफुल बोगनविलिया फ्लावर्स, ये ब्लू बुल एशिया में सबसे बड़ा मृग है। उसका सिर बड़ा, लंबी गर्दन अपेक्षाकृत छोटे सिर होते हैं और पुरुषों के सिर ऊपर छोटे सिंगों की एक जोड़ी होती है। नर भूरे रंग के होते हैं, मादा नारंगी रंग की होती है। इनके मजबूत पैर होते हैं, उन्हें अब कीट पशु माना जाता है। इसे मध्य और पश्चिमी भारत में फसल क्षति के लिए जाना जाता है। तो ये है ब्लू बुल यानी नील गाय लेडसी द्वारा यहाँ पर जो वृक्षारोपण किया गया है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई। देखिए कितना बड़ा इनक्लोजर है एंटेलोप का। भूरे रंग की मादा नील गाय और स्लेटी कलर का पुरुष नील गाय। सी देयर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, स्लेंडर एंड फिट, टाइट लाइक द हॉर्सेस। तो यह है नील गाय, काफ़ी है जो काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हैं। वो काफ़ी जानवर यहाँ अवेलेबल है, पानी भरा हुआ है पॉन्ड में और इनको चारा रेगुलर मेंटेनेंस द्वारा यहाँ पर बगीचे की देखभाल करने वाला या सफारी की देखभाल करने वाला द्वारा डाला जाता है।
ब्लू बुल और शेर और शेरनी की पेंटिंग बनाई हुई है, ये मादा शेर वो बब्बर शेर। वन मोर टाइप ऑफ डियर चिंकारा, चिंकारा का कटआउट यहाँ पर लगाया हुआ है। चिंकारा गजेला बेनेटी, चिंकारा इंडियन गजल आमतौर पर दुबले पतले तेज धावक होते हैं। इन मृगों की 16 अलग अलग प्रजातियाँ जो पूरे अफ्रीका मध्य पूर्व भारत में रहती है, और ये इनकी डिटेल्स है। ये है चिंकारा, पतले स्लेंडर फास्ट रनर। ये भी एक प्रकार के हिरन है। ये बहुत सारी वेराइटियाँ पाई जाती है हिरन से। वो ब्लैक बग जैसा ही है, ब्लैक बग जैसे ही है वो। ब्लैक बग का कटआउट और इसमें हो सकता है ब्लैक बग, क्योंकि जोधपुर शिकार मामले से संबंधित है। कहाँ है ये? तो ब्राउन वाला। अच्छा ये या तो ये मादा होगा। लेक कैसा कल मैं इसको उठाना। हाँ, एंटेलॉप सर्वाइव कप। मम्मा दिखाएगी, मम्मा ये तो मादा है, जो ओरिजिनल काला है ना, इसको दिखा ना। ये देखते हैं ना फिर मुंह ब्लैक बॉक्स इन हाई रेजोल्यूशन जूम। सब उधर से दूर, वो उधर वाला है ना ब्लैक बग, वो वाला। हाँ दिख गया। हाँ वो वाला स्मार्ट लगता है। हाँ एकदम काला होने के बाद बहुत सुंदर लगता है। उसके हीर उसके जो सींग है ना, कुछ मत छुओ। सफी हिरन दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहा। डिटेल्स अबाउट द ब्लैक बक एंटेलोप्स सर्वी कैप्रा। देखो ना वो पीछे काटा है। देखो आ गया, पास आ गया। वो देखो पास आ गया हिरन आपका। आ गया पास, आ गया, आ गया। भाग गया हिरन, भाग गया। हाँ भाग गया। वो देखो वो आ गया पीछे। वो देखो खूब सारे हिरन आ रहे हैं एक-एक करके। उधर भी ऐसा, उधर भी बहुत सारे हिरन हैं। वो देखो कितने सारे हिरण आ गए। वो देखो सब आ गए। चले सांभर की मूर्ति बना रखी है और ब्लैक बक वहां पर दूर। Just like the live animal.